हेलो, यामिनी बोल रही हूँ, अंधेरी स्टेशन ऐसा है। बोलिए मैम। आकाश कॉलेज में किसी से प्यार करता था और उसने ना कहा था। हाँ मैम। लड़की का नाम क्या था? महिमा। फ्रेंड की शादी के लिए महिमा दिल्ली जा रही थी, पर वो कभी वहां नहीं पहुंची। बहुत कॉल किए मैंने सर, पर उसने स्विच ऑफ करके रखा था। सिद्धार्थ, सॉरी टू से दिस, तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, पर अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। मुंबई से निकलने के बाद महिमा अगले स्टेशन पर किसी और के साथ उतर गई थी। शायद वो लोग अच्छे दोस्त थे। मैं महिमा को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। उस लड़की ने अपनी आंखों से देखा था सिद्धार्थ। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, उसे भूल जाओ। अगले स्टेशन पर किसी और के साथ उतरी थी ना, उसका नाम जानती हो? आकाश। महिमा के साथ कॉलेज में था। महिमा के ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। अनकॉन्शियस होने के बाद उसे अपने साथ बीच के गेस्ट हाउस में ले गया। ड्रग्स इंजेक्ट करके मैंने उसके साथ दो दिन खूब मजे लूटे। Nobody ever says the word no to me. उसके बाद ड्रग का ओवरडोज देके मैंने उसे जान से मार दिया और 10 लाख देकर केस का नामोनिशान मिटा दिया। मरने से पहले तेरा ही नाम लेकर मरी थी वो। मैडम, ये थाड़े के मेंटल हॉस्पिटल से आया है, उसको सारी डिटेल्स तो नहीं मिल पाई, लेकिन चीफ डॉक्टर की पर्सनल फाइल से आदित्य और सिद्धार्थ से रिलेटेड कुछ पेपर्स भेजे हैं मैडम। ट्रीटमेंट किसका हुआ था मैडम, आदित्य का या सिद्धार्थ का? दोनों का। सच में मैडम, सिद्धार्थ 3 महीने तक और आदित्य 1 साल तक था। 16 साल की उम्र में इन दोनों ने एक दूसरे को मार मार के हालत खराब कर दी थी मैडम। रिपोर्ट में जो चीफ डॉक्टर ने लास्ट लाइन लिखी है ना मैडम, वो बड़ी आपको सब समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को जान से मारते, इतना गुस्सा होने के बावजूद किसी एक पर प्रॉब्लम आए तो दोनों एक हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से भाग रहा था तब तुमने मुझे रोका, तुम पर बहुत गुस्सा है,
तुम मेरी मदद करने आए हो ये बाद में समझा। तू आकाश को मारने के लिए एक महीने से पूरी तैयारी कर रहा था, मैं समझ गया। तूने कहीं कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मैं फॉलो कर रहा था। फोटो एविडेंस जिसकी वजह से तुझे अरेस्ट किया, एयर टाइट केस था, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर फांसी। अगर मैं अंदर नहीं जाता तो तू बाहर नहीं निकल पाता। रुक, कहाँ जा रहा है? रुक, गाड़ी में डाल इसे जल्दी। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजी थी ना, मीरा रोड के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने इसे यहाँ भेजा है सर। तुझसे पुराना बदला लेने के लिए वो नागेंद्र किसी भी हद तक जा सकता था, अब तो नहीं बचेगा। और वो सिया है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं सोच ही रहा था कि उससे कैसे निपटे, और तभी मुझे मिली यामिनी। क्या हुआ मैडम? उसके बारे में सब कुछ जानकर ही मैंने पुलिस स्टेशन में एंट्री की। स्टेशन में अंदर आते ही उसने मेरे साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ पर डाउट ना हो इसलिए मेरा सारा फोकस अपनी ओर खींच लिया और मुझे डाइवर्ट कर दिया। इडियट! वो पहले ये केस में अक्यूज की मदद करने के लिए 3 महीने सस्पेंड हुई थी। काम में बहुत सिंसियर है, पर नेचर से बहुत सॉफ्ट है। खुद की नेगेटिव इमेज दिखाई ताकि वो तुझे हेल्प करे, और उसने वही किया। उस कैब ड्राइवर का इंतजाम मैंने ही किया है, ये बात किसी को पता ना चले। यामिनी ने अगर केस रीओपन किया तो अब तक पता चल गया होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि उसी ने तेरे लिए सारा फेक एविडेंस तैयार किया। नौकरी से तो निकाली जाएगी, साथ में जेल भी हो जाएगी, इसीलिए ये केस उसकी तरफ से क्लोज्ड है। किसने गेम खेला बताइए ना मैडम। किसी ने नहीं। जब बचपन में उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर को हम में से किसने मारा था ये पता नहीं लगा पाए, तो उन्होंने दोनों को सजा दी थी, बट कोर्ट में ऐसा नहीं होता। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चूहा था, रिस्क बड़ा था, और मैं जीत गया। मेरे लिए इतना रिस्क क्यों उठा? तेरे लिए नहीं यार, माँ के लिए। माँ के बारे में तो बहुत कम जानता है। मेरे लिए कुछ खरीदती थी ना, तो तेरे लिए भी लेती थी। तुझे याद करके रोज रोती थी। मेरे साथ होने की खुशी थी, तेरे ना होने का गम भी था। तू और मैं दुनिया के लिए अलग अलग हैं, पर ये दुनिया दिखाने वाली माँ के लिए एक थे। माँ जिंदा होती तो वो जो करती वही मैंने किया। मुझ जैसे भटकते बंजारे को भी एक सही रास्ता मिला, गायत्री। अब सब कुछ छोड़ दिया, उससे शादी करके नई जिंदगी शुरू करूंगा। और तू? दिल्ली जा रहा हूं, वहां से सीधा कोपेनहेगन। वापस आने का सोचा नहीं। शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आरारी रो
मैं जब भी उन रास्तों से गुजरता महिमा की यादें मुझे घेर लेती। ऐसा लगता जैसे वो मेरे आसपास ही है। उसके जाने के बाद भी मैं उससे कभी दूर नहीं हो पाया। अब मेरी जिंदगी में बस उसकी यादों का ही सहारा है। मेरी माँ को उनके पापा समझ नहीं पाए, मेरे पापा समझ नहीं पाए, और आखिर में मैं भी समझ नहीं पाया। अगर उस दिन मैं उन्हें समझने में गलती नहीं करता तो शायद आज वो साथ होते। खो दिया उन्हें। रामायण को मर्द के बदले किसी औरत ने लिखना चाहिए था। औरतों पर शक करने की सोच वहीं पर खत्म हो जाती। आखिरी दम तक तुम्हें समझने की मैं कोशिश करूंगा।